तो देखिए दोस्तों, मैंने एक फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये इंडक्शन कुकिंग के लिए मैं ऑर्डर किया था। तो ये फ़िलिप्स कंपनी का है और काफ़ी देखने में ये अच्छा लुक लगता है इसका, और इसका फिनिशिंग वगैरह डिज़ाइन वगैरह ऑलमोस्ट सब बढ़िया है। यहाँ पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पीछे से कुछ इस प्रकार से देता दिखता है, और यहाँ पे छोटे छोटे स्टैंड भी लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कूलिंग फैन वगैरह सब दिया हुआ है, तो पीछे से ये ऐसा दिखता है और आगे से एकदम इसका लुक काफ़ी मुझे बेहतरीन लगा। आपको कैसा लगा आप भी बताएंगे इसको, लेकिन मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए कि ऑन ऑफ का यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, जितने भी इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर कुक का दिया है, स्लो कुक का दिया हुआ है। आप यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं, अगर पॉज कर देंगे तो ये कोई भी बर्तन को हीट नहीं देगा। और यहाँ से आप इसको प्लस यहाँ पे टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से 100, 130, 60 मैक्सिमम या 240 डिग्री सेल्सियस तक दिया हुआ है। और यहाँ पे भी वाट में दिया है कि कितना पावर शिफ्ट करेंगे तो कितना वाट आपका बिजली का यूज करेगा, या कितना वाट यहाँ पे ऊर्जा को यूज करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइमर भी दिया है, टाइमर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, अगर रोटी या डोसा जो भी बनाना है तब बस इसको क्लिक कर दीजिए, इस पर सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको उतना ही हीट देगा जितना उसको चाहिए। और यहाँ पे मैनुअल करेंगे तो ये भी मैनुअल अपने हिसाब से वो सेट कर लेगा किसको कितना हीट देना है। ग्रेवी के लिए आप इस पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लो कुक का भी दिया हुआ है, ये सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने इसमें कई सारे बर्तन को भी टेस्ट करके इसका वीडियो डाला हुआ है, और मुझे इसके साथ मुझे ये पैक करके मिला था, और काफ़ी ये देखने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव इसका लुक भी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा है। और बाकी इसके साथ मुझे कुछ भी पैकिंग में नहीं मिला है, यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड मिला है, शायद वारंटी कार्ड वगैरह इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी ये इस डब्बे में पैक होकर आया था, बाकी इसके साथ मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो आइए हम लोग चेक करेंगे कि ये देखिए, एक एल्युमिनियम का हमारे पास प्रेशर कुकर है, जिसमें मैं थोड़ा सा पानी मैं ले लिया हूँ। इसको चेक करेंगे कि इस इंडक्शन पे ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसका जो सतह है एक बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट दिया हुआ है, तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये इस पर वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा पानी लेकर मैं इस पर रख देता हूँ, और इसको हम लोग देखेंगे कि ये हीट हो रहा है कि नहीं, ये बर्तन इस पर वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूँगा, और इसको ये ऑन हो चुका है, और मैं इसको यहाँ पे मैनुअल पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें हीट होने में कितना समय लेता है, या हीट होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसको हम लोग देख चेक, देखिए इतना देर, लगभग 5 मिनट में इस पर छोड़ा हूँ, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, अब तक ये बर्तन थोड़ा भी हीट नहीं हुआ है, और ये बीप करके साउंड भी आ रहा था। अगर इस पर आप कोई भी मतलब ऑन करके कोई भी इस पर बर्तन नहीं रखते हैं तो इसमें साउंड आएगा और ये ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ देर तक मैंने वेट किया, ये बीप का साउंड करते करते ऑटोमेटिक ऑफ भी हो गया है, और जितना देर तक ऑन था इस पर कोई भी हीट नहीं हुआ है, मेरा पानी जैसे का तैसे वैसे ही नॉर्मल है, यानी एल्युमिनियम के बर्तन पर ये वर्क नहीं कर रहा है। देखिए ऑटोमेटिक अब ये ऑफ़ हो रहा है, और ऑफ़ हो भी गया। एक स्टील का बर्तन है, ये एक स्टील का बर्तन है, अभी मैंने इसको एक बार चेक किया था, मैं फिर से एक चेक कर रहा हूँ, तो ये वर्क करेगा। देखिए अभी ये नॉर्मल सा हल्का गर्म है, मैंने चेक किया था, तो अब फिर मैं इसको ऑन करके देख रहा हूँ, देखिए कितना जल्दी गर्म होगा। तो ये स्टील का एक बर्तन है छोटा सा, और ये वाला बिल्कुल एल्युमिनियम वाला जो मैंने प्रेशर कुकर लिया था, इसमें थोड़ा भी हीट नहीं हो पाया है। तो इसको ऑन करते हैं, और टाइमर इस पर मैं लगा देता हूँ कुछ, या मैनुअल पे ही कर देता हूँ, और चेक करते हैं कि ये क्या होता है। चलिए आपको सामने ही दिखाते हैं कितना जल्दी हीट होगा, देखिए इसमें और हीट होना शुरू हो गया है। देखिए मुश्किल से अभी 15 सेकेंड 20 सेकेंड हुआ है, और ये हमारा पानी गर्म होना शुरू हो गया है। यहाँ से टेम्परेचर भी मैंने 160 पे यहाँ पे मैं सेट किया हुआ है, और देखिए कितना जल्दी ये हीट हो रहा है। तो इस पर स्टील का बर्तन या आयरन का जो भी बर्तन हो वो वर्क करेगा, उसकी सतह जितनी भी फ्लैट रहेगी, चिपटा हुआ रहेगी, उतनी जल्दी ये काम करेगा। देखिए कितना जल्दी हीट हो रहा है, लगभग मैंने 1 मिनट तक ही रखा हुआ है, देखिए लगभग 1.5-2 मिनट हो गया है, और ये पानी बिल्कुल हीट होने लगा है। तो ये एल्युमिनियम स्टील का बर्तन इस पर काम करेगा, आयरन का करेगा, एल्युमिनियम वाला वर्क नहीं कर रहा है।
आप इसके लिए अपने घर का कोई भी स्टील वगैरह का बर्तन यूज कर सकते हैं। बाहरी बर्तन भी जो इसके लिए स्पेशली बना रहा था उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, खरीदना है तो आप खरीद भी सकते हैं। देखिए पानी उबलने लगा क्योंकि मैंने इसका टेम्परेचर 160 पे रखा हुआ है। मैंने इसको एकदम वार्म कर दिया है। आयरन का जो तवा होता है, जैसे मेरे घर का ये तवा है आयरन का है, मैंने इसके लिए कोई स्पेशल बर्तन नहीं मंगाया हुआ है, तो मुझे ये चेक करना है कि ये इस इंडक्शन पे वर्क कर रहा है कि नहीं, ये हीट हो पा रहा है कि नहीं, ताकि आप अपने घर का भी जो फ्राइंग पैन है उसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको मंगा सकते हैं इसके लिए। तो मैंने इसको टेस्ट के लिए इस पर रखा हुआ है, आइए इसको चेक करते हैं कि हीट होता है कि नहीं। लगभग मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए इस पर छोड़ा हूँ और ये हीट हुआ है। ऐसे देखने में आपको नहीं लगा लेकिन यहाँ पर मैं हाथ रख रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर मुझे फील हो रहा है। वैसे आपको दिखाने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा पानी डालूँगा, ठंडा पानी, ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो देखिए ये अच्छे से ये हीट हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से ये हीट हुआ है। तो ये हीट हो रहा है लगभग, जो इसके लिए स्पेशली जो इंडक्शन वाला बर्तन आता है उसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन घर पे अगर आयरन का जो आपके पास फ्राइंग पैन है उसके भी आप यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी हीट हो रहा है, अच्छे से हीट हो रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ ये है कि उसके अलावा थोड़ा इसमें कम ज़्यादा टाइम लग सकता है हीट होने में, लेकिन हीट हो रहा है। अगर एक बार हीट हो जाएगा कुछ देर के बाद, ये नॉर्मल सब काम इस पर करेगा, आप आराम से खाना वाना इस पर बना सकते हैं। ये आयरन का ही है और इसको आप